पालन लगभग पूरे पांडाल भरे हो तो पण आज कति तरी कमी होता जा हम तमार कर्नाटक में ही मध्य प्रदेश से कम से कम 700-800 किलोमीटर चालन ही देखे असर आए थे कि भाई अपने चार राज्य में अपने बंजारा समाज स्थिति कही है वास्तविक रूप में जो डेवलपमेंट तो है। अभी बाकी चर्चा कर पे थोड़ा सा मैं परिचय दे दूँ। मैं देवराज चौहान तालुका पानसेमल जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से बिलोंग करूँ छू। साथ में ही बंजारा समाज जे बात करे छे आजकल पूरे भारतवर्ष में 15% गोर समाज छे अपनी सबज कह रहे काले सो वात हेती वाली छे अपना विषय आधेरो लदणी मलावे रो जो विषय छे लदणी मलाव शुरुआत अपनी विषय पे भी करे छे। साथ में ही हम खुद भी बता दे 2008 मध्य प्रदेश में ही सबसे बड़ो संगठन बंजारा युवा संघेर निर्माण किए थे जेर संस्थापक हम चार व्यक्ति है थे जिदी हम बैचलर डिग्री जब हम बैचलर लाइफ में जिंदगी जीते स्टामेर बात छे तो कता न कता बहुत सारी चीजें चर्चा करे पहले हमने गोर सेना सिखवाड़ी सूचना कति से मिली यार पहले हमने यार बारे में कोई परिचय नहीं है तो हमारे मध्य प्रदेश में ही गोर सेना सिखवाड़ी तरफ से विजय भाई चौहान और अकुलासू कुलदीप भाई पालत्या ये हमारे समूह जॉब करे थे कुलदीप भाई पालत्या ये पहले भी उन्होंने जॉब करते करते समाज और काम भी करे थे और मैसेज देते थे कि भाई ऐसा ऐसा हमारे का संगठन आ जाओ और हमारी ये उद्देश्य। साथ में ही जब बिजू भैया हमारे गाँव में आए टांडे में आए तो आजकल समाज में के नहीं वे छे नहीं दिन भर समाज से उठा छ टिप्पण बांधे हो काम गए बिजनेस गए और बाधे माता नहीं सो जाओ छ पर समाज रीति कोई अपने घर आवा आरो चाहती थी तो और स्वागत करे भी अपनी परिभाषा कौन मानो जबकि अपनी संस्कृति बहुत ग्रेट छ बहुत पवित्र छ आवो भगत करे शिक्षा दे मिलो छो सेवालाल बापू भी के मिलो छो तरसे न पानी पर आप भोगे न जीवन कराओ ऐसे बहुत सारी बात है। 350 वर्ष पहले जो बोल के गए थे वो आज घट रहे थे कति न कति माँ माता याड़ी ने सभी विनती करूँ छू समाज सर्वांगीण विकास यदि करियर बात दीदी आवश्यक तो केवल एक दिन सात या 14 पहलू पर बात कौन कर लगभग हर पहलू पर छोटी छोटी चीजें पर जब अपन विचार कर अपने जीवन छोटी कतरा छ क्षण भर उंगूर छ क्षण भर एम के भाव पता को नहीं खबर नहीं पर की बात करे कल की तो अपन वर्तमान एम जुनू पास्ट टाइम का एगो वन छोड़ दो भविष्य में का वो भी छोड़ दो वर्तमान प्रेजेंट टाइम अपन का ही कर सका चा ये बारे में विचार करने लागे समाज में संगठन तो हजारों है अलग अलग संगठन उद्देश्य भी अलग अलग है तो सब एक उद्देश्य कि भाई मैं बड़ा ये अपने में जब तक मैं भाव जब निकला को नहीं जब तक अपन एक दूसरे बात सामने लेवा को नहीं प्रचार प्रसार करा को नहीं जब तक अपन एक कहीं है वाले छे नहीं पासी बहुत सारी चीज तुम्हारे गौर सेवा ने आदि संगठन में मैं देखे हो सभी से मेन चीज लगी कि भाई जब बलिदान अपन जो बलिदान देव चलिए क्रांतिकारी योद्धा जब भारत गुलाम में तो उस टाइम इनके अपने बंजारा क्रांति योद्धा कौन है थे कहीं बाकी राज्य गुरु इन क्रांति नाम को कर कहीं तो अपने इतिहास में नाम कहीं नहीं आयो ये बारे में भी विचार कर लू कि भाई तुम्हारे जो लड़ो वाप जो आज संदेश भैया चौहान वाप हमने कहते थे कहीं संदेश भैया वाप से हमने तो केवल कल्पना जेते तो पर आता है वास्तविक लग रो तुम्हारे डिसिप्लिन छ तुम्हारे जो कार्यशैली छ तुम्हारे जो युवा पीढ़ी छ वन देखा ना सो उत्साहवर्धन हो चे मैं थोड़ा सा बाहर जो भी भाई बैठे होते जो उन्होंने विनती करूँ छू मैं आती छू केवल विचार विनिमय आप एक दूसरे आदान प्रदान जब तक अपन कौन करा समझन कौन कर लगा थोड़ा सा निवेदन छ भाई लोगों थोड़ा बैठे सामने 5 मिनट ले मैं ज्यादा से ज्यादा समय नहीं ले माता बहनों ने कहना चाहू चुकू जननी जने तो भक्तन के दाता के सुर नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाहे नूर तो ऐसे ऐसे होता अपने समाज में दे दी नहीं विजय भाई सर क्या संदेश भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वास्तव में लड़े हुआ वहां को ने जीतो जी वहां को दिखा छ हम उन्होंने भाषा यूट्यूब पर भी सर्च की थे सब जाके देखते आ रहे छ संगठन हजारों है के और दूसरी बात अपने समाज में जे संत गण छ उन्होंने बड़ी बड़ी उपाधि मिली हुई पर कदे कति वो भी अपनों जो संस्कृति वे विचार न करते हुए केवल अपने धार्मिक विचार बांधते रहो छो तो भाई संस्कृति में जगह कौन मोह मलक सर्जित करया किसुला नहीं मोर आज गोरू रो राजवट लाया सेवलाल भैया के कुछ तो कुकर कहीं आ जाए मरे वे छानी मोह मलक मतलब मरे वो मलक नींद में जागो आज अपनी उम्र कतरी चाहे कोई 50 साल हाइब्रिड खारे जा पर 70 साल 100 साल जी वाले को नहीं 50-60 साल में खत्म ही जाया तो कीर्ति करो कीर्ति कतनी और करनी में भेद है कतनी तो सभी करते हैं पर करनी कोई नहीं करता करनी उसको बोलते हैं जो जमीन लेवल पर संगठन लेवल पर
अपने टांडे लेवल पर जाकर जो भ्रमण कर समाज की विचारधारा प्रदान करे उसको बोलते हैं समाज। नहीं तो उठा लिया झंडा ये पार्टी निर्माण कर ली, वो उठा लिया झंडा वो पार्टी निर्माण कर ली, तो इससे अस्तित्व बचा कहाँ है? तो ये सारी बहुत सारी चीजें भाई विचार यदि अपन ध्यान देवा तो बहुत बड़ो मुदांग चालन अपन उजे एक निवेदन छ संदेश भ्यासी तमार गौर सेना शिकवाड़ी पूरे यदि अपन कंपेरिजन कर बाकी संगठना शू तो तमार जे उद्देश्य छ वो बहुत जबरदस्त है, पण कती न कती अपन अपने लेवल पर यदि करे आसो कार्यक्रम तो जता मागास वर्गीय जो बैकवर्ड एरिया छ जता पिछड़ा वर्गीय जो हमारे मध्य प्रदेश में हम पिछड़ा छ, पिछड़ा में हमारे 52 जिला लगा छ, हमारे में 85 टांडा 52 टांडा 48 टांडा 32 टांडा हानू करते करते कम से कम 50 लाख हमारा मध्य प्रदेश में भी अपने बोर भय रहे छे। तो ऐसे गुजरात में ले लो राजस्थान में ले लो अपन हर बार बात उच करा जगह अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेशन का कर देने तो यार बारे में विचार करने लागे नहीं केवल बात करे उस काम कौन बने आलो। तो चतरा संगठनार प्रमुख छो मैं जब भी कह रहा जो संगठनार प्रमुख एक बैठक ले जाओ और उन्होंने विपाल मध्य एक कमीशन गठन करो, अपनी लड़ाई केवल सामाजिक तौर पर साधारण लोग उस लड़ाई कौन मिला अपने पीछे में लड़ाई मत करो तो कम से कम वैचारिक लड़ाई करो और लड़ाई भी केयर करो जो संगठन चाह रहे थे पार्टी बाजी आज कर रहे थे उन्होंने एक मंच रेटा बैठाड़ो बहुत सारे हम भी किए 2008 में ही मध्य प्रदेश में राजपुर में बहुत बड़ा भव्य मेला किए थे हम भी मारूगढ़े में किए संदेश भी आयोजन आए थे वह मारूगढ़े में भी कार्यक्रम है तो पर उसी कार्यक्रम में डबल डबल कार्यक्रम है रहे थे। तो कदी न कदी अपने समाज में ऐसी मानसिक दशा है कि यू तो चलो जाए तो मार का ही हाल है, यू तो चलो जाए तो मक्को कर मुटांग बढ़ी तो ये जो भावना चाहिए भावना ना अपन कदी न कदी थोड़ा सो समझन देने लागे आत्रा बहुत सारी चीज वर्चा करे आत्रा तम समय देने मन और सर बहुत बहुत धन्यवाद छ। और हम एक निवेदन करा चका यदि आप लोग पूरे भारत में कारवा फैला छ तो गुरु रिपोज करे मोच कदना करे जब हम पूरे गुरु में ख्या पण ये बात केवल तेलंगाना महाराष्ट्र तमिलनाडु महाराष्ट्र तक सीमित रखाड़ो तो कम से कम पूरी टीम में आह्वान जगत हम हर जे राज्य बेकवर जो तब आता नहीं थोड़ा सो समर्थन दे हमने हमारी पूरी टीम से हमारी टीम आता ही कोनी हमारे कम से कम आता हम बड़ी बात कौन करूँ कम से कम 10 गाड़ी तैयार है की थी वो 10 गाड़ी भी अब कारण कौन बताऊँ मैं कारण निरस्त का है जी एक रात पूरी गाड़ी निरस्त है भाई लोग आतरी मेहनत की थी दीजो भैया उन्होंने बलिदान अतरा देख लीजिए 10 अपने माँ बाप इस घरदार छोड़न उन्होंने भी तो इच्छा छ वो भी संसार बचा सकज परिवार चला सकज पण का समझ है सर आसो बलिदान दे अपन खाए पाएगा सर आज आए कौन चाहता दीद अंदर जो मिलावा छ ये मैं दीद अंदर विचार विमर्श आड़ो छ तो जे अच्छी बात छ जो अपने पदरे मिलू जे गलत बात छो आंडे में कानून बाहर फेंक दे। और अंत में एक और विचार करूँ छू कि जे तुम्हारा अत्यार जे भोजन छ भोजन अन्न महादान कहो छो जे भाई लोग जे भी ग्रहण करें जाओ छ अन्नदान उन वेस्टेज नहीं देनु जतरा अपन ग्रहण कर सका छा उतरा जेव खा रहो आतरा चिल्ला चिलान के रहे उन्होंने तो डिसिप्लिन दिए देने कमांडो रात रात जाग जागन सेवा कर रहे थे संदेश भी आया पूरे भारत में फिर थे आप उन्होंने वीडियो देख रहे थे तो ये सारी चीज़ें भाई।